ग्वालियर के लोकायुक्त ने एक पटवारी को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल जगमोहन प्रजापति ने कुछ दिन पहले लोकायुक्त से शिकायत की थी कि मनवार तहसील के पटवारी सुरेंद्र परिहार नामांतरण के नाम पर 80,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। फरियादी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी के लिए ट्रैप बिछाया गया। फिलहाल लोकायुक्त टीम पटवारी के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। तो आज मैंने फोन लगाया पटवारी साहब को, तो इन्होंने बोला आज मैं बनवार नहीं जाऊंगा, आज मैं अपने घर सनबेली पे ही मिलूंगा आपको। तो मैंने 4 बजे करीब करीब फोन लगाया, मैंने कहा मेरे को आपको पेमेंट देना है, तो बोले मेरे सनबेली में ही आ जाना आप। तो मैं सनबेली गेट के बाहर जैसा पहुँचा तो इनका आना हुआ, मैंने अपनी जेब से 35,000 रुपये इनको दे चुका हूँ, मतलब हल्की हाल उनको दे दिया था मैंने। और मैं वहाँ से निकला, मैंने अपनी टीम को इशारा किया तो उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। आज हमारे पास फरियादी आया था 9 तारीख को, फरियादी जगमोहन प्रजापति, जिसने सुरेंद्र सिंह परियार पटवारी हल्का बनवार तहसील चीनौर की रिपोर्ट की थी कि वो हमने से पैसे मांग रहा है, जिस पर आज उसको 35,000 रुपये देने का तय हुआ था। मामला तो 80,000 की डिमांड हुई थी, लेकिन मामला सेट हुआ था 45,000 में, जिसमें से 10,000 रुपये उसको दे दिए थे, वो आज उसको 35,000 रुपये देना थे। जब उस पर इस प्रकार की जो उसने हमको रिपोर्ट की तो आज हमने उस पर ट्रैप कार्रवाई संपन्न की।